हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। हमारी टीम स्टडी फंडा की तरफ से CTS 2022 के एस्पायरेंट्स के लिए स्प्रिंट सीरीज लॉन्च की गई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ CTS के सेकंड पेपर, जो कि जनरल नॉलेज का पेपर होता है, उसके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ CTS 2 2021, जो आपके लास्ट ईयर नवंबर के मंथ में कॉन्डक्ट हुआ था, उसके साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में सोलेनॉइड होता क्या है, उसके बाद हम इसके इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो, सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड की डेफिनेशन होती है, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स रैप्ड ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रेटेड कॉपर सॉरी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली क्लोजली इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सोलेनोइड होता है। देखो, सोलेनोइड को मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। सोलेनॉइड बेसिकली आपका, जब हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को सिलेंडर के फॉर्म में टर्न करते हैं, उसको कॉइल करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में, काफी क्लोजली इन सबको आपस में काफी आसपास करके इसको कॉइलिंग करते हैं, तब ये सोलेनॉइड बनता है। मतलब इसके अंदर से, इस जब हम ऐसा किसी भी कॉपर वायर के साथ करते हैं, तो इसके ये एक परमानेंट पावर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जिसमें एक पोल इसका नॉर्थ पोल होता है और एक पोल इसका साउथ पोल होता है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन स्ट्रेट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी स्ट्रेट फॉर्म में होंगी। ठीक है, बाहर चाहिए कैसे भी हो, लेकिन अंदर ये स्ट्रेट लाइंस में होंगी। ये क्या सिग्निफाई करता है? देखो, जो अंदर ये स्ट्रेट लाइंस होती है, ये एक और चीज सिग्निफाई करती है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम रहेगा। आपको समझ आया सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड बेसिकली एक कॉपर वायर में को हम आपस सिलेंड्रिकल फॉर्म में कॉइल करते हैं काफी क्लोजली, तो वो एक परमानेंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसको सोलेनॉइड कहते हैं, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब उसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म, आर पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ। देखो, अभी हमने डिस्कस किया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड में कैसे रहेगा, आर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास दो टाइप के लेंस होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जिंग का मतलब कि जब भी इस लेंस से स्ट्रेट लाइट रेज पास होंगी, तो ये लेंस उसको अपने फोकस पे कन्वर्ज करेगा, और डाइवर्जिंग का मतलब
जब भी स्ट्रीट लाइट रेज इससे पास होंगी तो वो उस लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। सो कॉनकेव लेंस अर्थ ही डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा अब इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें जिससे हमें रियल और एनलार्ज्ड इमेज मिले। कैसी इमेज मिले? रियल एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम, इसके आप फोर्थ केस को देखिए। फोर्थ केस में कह रहा है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड डबल ऑफ फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी इमेज रियल और एनलार्ज फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? रियल और एनलार्ज। कब फॉर्म होती है? जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस डबल ऑफ फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन सी कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ रखेंगे तब हमें रियल और एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर आंसर हो गया आपको ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि द लाइट रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। ओके, कह रहा है कि जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल होगी तो वो क्या हो, क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। देखो ये सपोज करो एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है, ये आपका नॉर्मल एयर है और ये आपका रेयर मीडियम है ना। एयर तो आपके ग्लास से रेयर होगी और ये है नॉर्मल। सपोज करो कोई लाइट रेज आ रही है, कोई लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, जो हमारी लाइट रेज है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी एंड इसकी स्पीड ऑल्सो स्लोज डाउन और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। ये फैक्ट है, इसे आप याद रखें। अच्छा अब एक बात बताओ कि अगर मान लो हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? जब हमारी लाइट रेज डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड सेकेंडली स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसे आप याद रख। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट स्लोज डाउन। तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल है ये एंड स्लोज डाउन, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। आपको समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रिक करंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल एंड एमीटर एंड ए नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एल। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज रिड्यूस टू हाफ देन एमीटर रीडिंग विल बी। ओके, सबसे पहले आप ये जानो कि एमीटर होता क्या है। एम मीटर होता क्या है? सो एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एमिटर एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे मेजर करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। यहां से क्या पता चल रहा है?
कि रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, है ना। और दूसरी चीज क्या पता चली, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमने अपने वायर की लेंथ को एल बाई टू कर दिया, हाफ कर दिया, तो एमीटर की रीडिंग में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा नया रेजिस्टेंस होगा जाएगा रो एल बाई टू ए, दैट इज आर न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 रो एल अपॉन ए। और ये क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर न्यू 1/r लिख सकते हैं ना। तो मतलब हमारा नया रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा। अच्छा, अब अगर रेजिस्टेंस हाफ हो गया है तो आपकी करंट डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो देखो, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, तभी हम, आपको ये फॉर्मूला पता है ना, तो वी एक कांस्टेंट होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और वी हमारा एक कांस्टेंट की तरह एक्ट करते हैं यहाँ पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा, और करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो इससे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इट गेट्स डबल्ड, ठीक है। आगे चलते, देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ऑन अ सैंड, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेरे को बताओ प्रेशर क्या होता है। देखो, प्रेशर जो होता है बच्चों, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी पास्कल, पास्कल, ओके। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना। इसका मतलब, इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया आपका कम होगा, और अगर आपका प्रेशर कम होगा तो एरिया बढ़ेगा, ये पता चला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब अगर मान लो कि एक ये पर्सन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है, ए ये स्टैंडिंग पोजीशन में, और यही एक दूसरा पर्सन है ह्यूमन बी, ये लाइंग पोजीशन में, मतलब ये लेटा हुआ है। अच्छा, यहां से आप देख के बताओ मुझे कि किसका एरिया कम होगा और किसका एरिया ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ए का एरिया कम होगा और बी का ज्यादा होगा, देखो ना, बी ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एज कंपेयर टू ए, तो अगर ए का एरिया कम होगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, और यहाँ पे एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, समझ आ गया। तो देखो ऑप्शन, देखो क्या कह रहे हैं, लार्जर वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लेइंग, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा खड़े में और कम होगा लेटे में, ऑब्वियसली, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर इन 20 सेकेंड, वॉट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। देखो, एक ही कोई भी एथलीट है, ठीक है, ये है आपका डायमीटर है 100 मीटर, वो एक सर्कुलर राउंड किसी भी फील्ड का, किसी भी सर्कुलर फील्ड का एक राउंड वो 20 सेकेंड में लगाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो 1 मिनट में और 10 सेकेंड में,
इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या होता है, तो मैं चलो आपको समझा देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। इट कैन बी, हमारी जो वेलोसिटी है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। नेगेटिव, अब आप सोचो कि सर ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अब डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगा? देखो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, हमने देखा है कि हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ओहो हाँ, हमने देखा है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट साइड होगी, मतलब माइनस वाई एक्सिस में होगी, तो हम इसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं हुआ, इधर नेगेटिव साइन शोज कि इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, और एंड इट कैन बी जीरो। जीरो मतलब अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं दोबारा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड 20 सेकंड में लगाते हैं, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट के बाद और 10 सेकंड के बाद कितना हो? अच्छा, इसको हम बिना मैथमेटिकल वे में एक बड़ी लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने का सोचते हैं। 1 मिनट में बताओ कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। अगर कोई एथलीट 20 सेकंड में एक राउंड ले रहा है, तो 60 सेकंड में वो कितने राउंड लेगा? बहुत सिंपल है, कितने लेगा? 3 राउंड लेगा, है ना, क्योंकि 20 सेकंड में एक ले रहा है तो 60 सेकंड में 3 लेगा, और 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो वैसे ही देखो, तो जब 60 सेकंड में ये 3 राउंड लेगा, तो आफ्टर 60 सेकंड इसकी पोजीशन क्या होगी? ए ही होगी, क्योंकि ये दौड़ के आया और यहीं पे रुक गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1 मिनट के बाद? जीरो। कैसे? इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल क्या है? वो भी ए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फाइनल? जीरो। समझ आया ना आपको? अब देखते हैं 10 सेकंड के बाद क्या होगा। 10 सेकंड के बाद क्या होगा? देखो अगर कोई भी एथलीट 20 सेकंड में इसका एक चक्कर मार रहा है, तो 10 सेकंड में ये इसका आधा चक्कर मारेगा, तो आफ्टर 10 सेकंड ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला जाएगा, और पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? इसका डायमीटर, दैट इज 100 मीटर। तो आफ्टर 10 सेकेंड इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 100 मीटर्स, ठीक है। सो ऑप्शन पे देखते हैं, तो हमारा देखो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है हमारा। जस्ट अ मोमेंट, देखो ऑप्शन डी क्या है? 0 मीटर्स एंड 100 मीटर्स। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, आपको समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ट्रू? ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता, फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है। देखो जो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जब हम इसमें कोई भी डिफरेंट एसिड या बेस ऐड करते हैं, ठीक है, अलग अलग एसिड कोई भी सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो ये डिफरेंट कलर शो करता है रिलेटेड टू इट्स स्ट्रेंथ, कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी अगर करेक्ट है तो ये कट गया और बस ये कट गया, ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड एंड बेस। हाँ,
देखो, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसमें रेंज ऑफ कलर्स होते हैं। तो जब हम डिफरेंट स्ट्रेंथ का एसिड और बेस इसमें ऐड करेंगे तो वो डिफरेंट कलर शो करेगा। अगर सपोज करो आपने हाईली एसिडिक ऐड कर दिया तो वो आपका एकदम रेड हो जाएगा, ठीक है। तो लाइट एसिड अगर ऐड किया, लाइट एसिड अगर ऐड सॉल्यूशन ऐड किया तो ये ऑरेंज कलर शो करेगा, ठीक है। और अगर आपने इसमें हाई बहुत ही कंसंट्रेटेड बेस अगर ऐड किया तो ये एकदम आपका वॉयलेट कलर शो करेगा। तो आप देखो कि ये अलग अलग कलर शो करता है। इससे ऑप्शन 3 भी सही हो गया, इट हेल्प अस टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। ये हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में भी मदद करता है। तो ऑप्शन बी भी कट गया क्योंकि इसमें थर्ड भी होना चाहिए। अब या तो आपका ऑप्शन सी होगा या डी होगा। तो देखो, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बच्चों, ये बेसिकली काफी सारे सेवरल इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो आपका हो गया ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रॉप इज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये एलोट्रॉप या एलोट्रॉपी होता क्या है। मैं आपको समझाता हूँ, एलोट्रॉपी होती क्या है। तो एलोट्रॉपी बेसिकली आपके सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, किसी भी सब्सटेंस का अगर केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम हो और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस का एलोट्रॉप है, ठीक है। अब कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं, कार्बन के तीन एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन, जिसे आप मिनिस्टर फुलरीन भी कहते हो। तो फिर जो डायमंड होता है, इसका डायमंड, आपको डायमंड के बारे में एक फैक्ट पता है, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है, ये याद रखना, ये एक्स्ट्रा है। देखो, अब डायमंड का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसका जो क्या कहते हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में जो कनेक्टेड होते हैं, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। टेट्राहेड्रल मतलब कि एक कार्बन का एटम चार एटम दूसरे कार्बन के एटम से अटैच होते, कनेक्टेड होते। तो देखो, हमको पता है ना कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो अगर एक जो है बाकी चारों से अटैच्ड है तो इसमें तो एक भी फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, और जब फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो फुलरीन का देखते हैं। फुलरीन जो होता है आपका, ये एक फुटबॉल शेप में होता है, इसको कार्बन 60 भी कहते हैं। ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब आते हैं ग्रेफाइट में। जो आपका ग्रेफाइट होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये हेक्सागोनल बाई पिरामिडल होता है, बाई पिरामिडल। अब ग्रेफाइट की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो कार्बन का सिर्फ एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉप है, दैट इज ग्रेफाइट
विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया आपका सी, टू ओनली, बिकॉज ग्रेफाइट इज द ओनली एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट। अब इस ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं फैक्ट बेस्ड, कि जिसमें अगर आपको आता है तो आता है, और अगर नहीं आता तो आप इसे छोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट सीओ टू, मॉइस्ट सीओ टू इन एयर, इट फॉर्म्स ग्रीन कोटिंग विच ग्रीन कोटिंग ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, जो कॉपर होता है, इट फॉर्म्स ग्रीन कोटिंग, ये जो ग्रीन कोटिंग ये फॉर्म करता है, इसको कहते हैं, इट सिंबलाइज करोशन, कि हमारा जो कॉपर है वो करोड हो चुका है, उसमें जंग लग चुकी है। हमें पता है कि जब आयरन में करोशन होता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर, जब आपका आयरन करोड होता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जब कॉपर आपका करोड होता है, ठीक है, और ये जो इस अपने ऊपर ग्रीन कोटिंग फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स, तो वो जो मिक्सचर होता है वो, दैट मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ कॉपर एंड कार्बोनेट ऑफ कॉपर। जो मिक्सचर आपके ग्रीन कलर का होता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ कॉपर। अब मैं आपको इसका रिएक्शन लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से पता चले और आप इसे याद रख सकें। देखो, टू सी यू प्लस सी ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस ओ टू, है ना? कह रहे हैं ना कि सी ओ टू के प्रेजेंस में मॉइस्ट भी है और ऑक्सीजन तो होता ही है, देन इट फॉर्म्स कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड तो ऑप्शन है नहीं, सिर्फ कॉपर कार्बोनेट है, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, दैट इज कॉपर कार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वॉट इज द नेम ऑफ प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इंटू ऑक्साइड बाई हीटिंग स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ओके, हम सबसे पहले रोस्टिंग क्या होता है वो देखते हैं, उसके बाद कैल्सिनेशन देखेंगे। तो रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर कन्वर्ट्स इनटू ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू मेटल ऑक्साइड। देखो, रोस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सल्फाइड ओर को एक प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, इस टर्म को ध्यान रखना, एक्सेस ऑफ एयर, एयर के खूब प्रेजेंस में, मतलब काफी एक्सेस में, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सल्फाइड ओर टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं हम कैल्सिनेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस आपस में समवॉट रिलेटेड है। अब कैल्सिनेशन इज ऑल्सो प्रोसेस इन विच ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड इन द एब्सेंस या लिमिटेड क्वांटिटी
ऑफ ए, ठीक है? यहाँ पे इस टर्म को ध्यान रखना, एब्सेंस या फिर लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एयर में के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड इन दी एक्सेस ऑफ एयर। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका है जिससे मैंने भी याद रखा था। देखो ये सी है, कैल्सिनेशन में सी आता है, सी को आप ऐसे रखो कैंसल से, कैंसल से, कैंसल मतलब इसमें एयर नहीं होगी या लिमिटेड होगी, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विच व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अलॉय सोल्डर। सोल्डर जो होता है उसके कौन क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एनी गेस? देखो लेड, आंसर है आपका ऑप्शन बी, लेड। और टिन जो होता है ये सोल्डर के अलॉय होते हैं, ठीक है? अब सोल्डर आपका कहाँ यूज होता है, सोल्डर आपका वेल्डिंग पर्पसेस में यूज होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन। ओके, देखो आपने एक 10% लॉ के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो अगर नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान से सुन। 10% लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, एंड ड्यू टू दिस ओनली, ड्यू टू दिस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज लिमिटेड, नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज लिमिटेड। देखो ये इसका मतलब कि जो हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी है इट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज करता है विद ईच, जैसे ही आप आगे के ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं। अच्छा इसको एक एग्जांपल से समझो, सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है? इसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड प्रिपेयर किया, इसमें अभी एनर्जी है सपोज करो 100 ग्राम्स की, ठीक है? इसने 100 ग्राम्स की इसकी एनर्जी है। अब इसको किसी ए नाम के एनिमल ने खा लिया, ए नाम का एक हर्बीवोरस एनिमल है, उसने इसको खा लिया, तो ए में कितनी एनर्जी आएगी इसको खाने के बाद, ए में आएगी इसकी केवल 10% एनर्जी, दैट इज 10 ग्राम। अब ए को किसी एनिमल बी ने खा लिया, अब बी में कितनी एनर्जी आएगी, 10% ऑफ दिस, 10% ए की 10% एनर्जी आएगी, दैट इज 1 ग्राम। अब बी को अगर कोई एनिमल सी खा ले तो कितनी एनर्जी आएगी, 0.1 ग्राम। तो आप देख रहे हैं विद एवरी इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल आपका एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है? आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इन अ प्योर टॉल टी टी, इन अ प्योर टॉल प्लांट टी टी, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी स्मॉल टी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन। ठीक, एक दो प्लांट है सपोज करो, कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, इन्होंने आपस में क्रॉस किया, तो F1 जनरेशन में आपका क्या क्या रिजल्ट आएगा, टी टी F1 जेनरेशन में आपका रिजल्ट आया टी टी, ये चार वो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब F2 जेनरेशन में क्या आएगा जब ये आपस में क्रॉस करेंगे,
देखो ये निकालने का ऐसे एक टेबल होता है, जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तो एक केस ये बन सकता है, ठीक है, कैपिटल टी, और कैपिटल टी आपस में क्रॉस किया तो क्या बना, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में क्रॉस किया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और स्मॉल टी आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हमसे कि प्योर टॉल इज टू प्योर शॉर्ट का रेशियो बताओ, प्योर शॉर्ट का रेशियो बताओ। प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी होगा प्योर में, टॉल में, और स्मॉल टी होगा शॉर्ट में। तो इन चारों में रेशियो क्या होगा प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट का, 1:1, है ना, क्योंकि एक ही हमारे पास ये प्योर टॉल प्लांट बना और एक ही हमारे पास प्योर शॉर्ट प्लांट बना। अच्छा अब अगर पूछे एक बात बताओ, अगर सपोज करो पूछता प्योर टॉल इज टू हाइब्रिड टॉल एंड प्योर शॉर्ट का रेशियो बताओ, तो वो क्या बनता, वो होता 1:2, 2:1। 2 क्यों, क्योंकि दो आपके हाइब्रिड टॉल हैं, एक आपका ये और एक आपका ये। अच्छा अगर सपोज करो सिर्फ पूछता टॉल और शॉर्ट का रेशियो बताओ, टॉल और शॉर्ट का रेशियो, तो आपके पास 3 टॉल प्लांट हैं, एक प्योर और 2 हाइब्रिड और एक शॉर्ट प्लांट है। अच्छा जब भी कैपिटल टी अगर कहीं होगा तो कैपिटल टी विल बी द डोमिनेंट एली, ठीक है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और ये अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो चलो अब इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा था प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट प्लांट, तो आंसर क्या होगा, 1:1, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशंस इज नॉट ट्रू। ओके सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन होता क्या है, तो वेरिएशन मतलब इट रेफर्स टू द डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ द इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल फ्रॉम अदर इंडिविजुअल और सेम ग्रुप फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, ठीक है। तो वेरिएशन आपका होता है इट रेफर्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से क्या डाइवर्जेंस है सेम स्पीशीज में, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। ओके अब इसमें पूछ रहा है कि वेरिएशन का इनमें से क्या स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट गिवन है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर है, आपका आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, दैट ऑल वेरिएशन इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। क्यों, देखो वेरिएशन जो आपका होता है ये आपका जेनेटिक मटेरियल में होता है, वेरिएशन आपका जेनेटिक में चेंजेस आने से स्पीसीज में वेरिएशंस आते हैं। तो अगर मान लो कि जेनेटिक में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाए, ड्रास्टिक चेंज आ जाए जो कि उसके करंट सेलुलर अपैरेटस होल्ड ना कर पाए, तो वैसे स्पीशीज के जिंदा रहने के चांसेस एकदम निल होते हैं। मतलब कि अगर सपोज करो कि आपके जीन्स में ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाए जो कि प्रेजेंट सेलुलर आपका जो अपैरेटस है बॉडी का वो उसे संभाल ना सके, तो ऐसी स्पीशीज जिंदा ही नहीं रहेगी। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर बी।
अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाइल स्टडिंग द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया, टर्म्स लाइक पॉपुलेशन, कम्युनिटी आर ऑफन यूज्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसके स्टार्टिंग से ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसको आप समझो। सो ऑर्गेनिज्म, इसकी डेफिनेशन होती है, इट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल। किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी का जो भी एक इंडिविजुअल है उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है? इट कैन बी प्लांट, एनिमल एंड और फंगस। ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और फंगस भी हो सकते हैं, ठीक है? ये सिंगल लिविंग ऑर्गेन, सिंगल लिविंग, एक पर्टिकुलर की हम बात कर रहे हैं और जिंदा होना चाहिए, ठीक है? अब पॉपुलेशन क्या होता है? जहां पे मल्टीपल इन ऑर्गेनिज्म, ऑफ सेम स्पीशीज, लिव टुगेदर इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, उसे कहते हैं हम पॉपुलेशन, ठीक है? अब पॉपुलेशन से ऊपर आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? सो कम्युनिटी डिस्क्राइब्स जहां टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई सेम स्पेस एट सेम टाइम, ठीक है? उसे कहते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के ऊपर क्या होता है? देखो तो मैं इसे रब कर देता हूं। अगर आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं ऑर्गेनिज्म को मिटा देता हूं। आप ना जब भी ये प्रीवियस ईयर के वीडियो देखने बैठते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो ना अपने नोट साथ में लेकर बैठा करें ताकि जो भी प्लस माइनस आपको करना हो आप साइड बाय साइड करते रहें और उसे रिवाइज कर लें। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। अब कम्युनिटी के बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम डिस्क्राइब जहां पे बोथ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स साथ रहते हैं, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर लिव टुगेदर। बायोटिक मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी का इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, कौन सा स्टेटमेंट सही डिस्क्राइब कर रहा है। देखो पॉपुलेशन हमने क्या पढ़ा है, मल्टीपल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है? तो देखते हैं ऑप्शन ए। और कम्युनिटी क्या पढ़ा है, टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर, ठीक है? अब ऑप्शन ए देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन सेम एरिया एट सेम टाइम, ठीक है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब पॉपुलेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, बिकॉज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीशीज लिविंग इन सेम एरिया एट सेम टाइम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, इन अ ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू डबल सर्कुलेशन, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड? ठीक है, मैं सबसे पहले आपको डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ, कि वो अगर आपको समझ आ गया तब फिर आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो ये है आपका लंग्स, ये है आपका हार्ट, और ये आपका है बॉडी ऑर्गन्स। ये हो गया आपका राइट आट्रियम, ये राइट ऊपर वाला आपका होता है आट्रियम और नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम में आता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन आपका लेफ्ट आट्रियम में आते हैं। फिर यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको थ्रू मेन आर्टरी, मेन आर्टरी जिसे क्या कहते हैं, थ्रू अरोटा जो कि मेन आर्टरी है, वहां से हमारे बॉडी ऑर्गेन्स में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ओह हाँ, ये जो आपका ब्लड आया है ये एकदम ऑक्सीजनेटेड है ना, देखा आपने कि पल्मोनरी वेन लाया इसको और डायरेक्टली आ गया यहाँ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका थ्रू मेन वेन जो कौन सा होता है, वेना कावा, मेन सबसे इंपॉर्टेंट वेन होती है वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बॉडी ऑर्गन से थ्रू मेन वेन दैट इज वेना कावा से आपका जाता है राइट आट्रियम में, राइट आट्रियम से ये फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल इसको लंग्स तक भेजता है और लंग्स तक इसको क्या, कौन सा आर्टरी और क्या ले जाता है, इसको ले जाता है पल्मोनरी आर्ट्री। ठीक है, आपको समझ आ गया ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, और फिर ये लंग्स एक्सहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट फ्रॉम लंग्स, देखो ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम में आया है पल्मोनरी वेन लाया इसको, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और यहाँ से एरोटा जो मेन आर्टरी है इसने इसको बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था इसके ऊपर क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अच्छा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब? इसका आंसर है आंसर ए। अब ये क्या है कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूँ।
देखो सेप्रो एक होता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा? सेप्रोट्रोफिक, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। देखो ये सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इसमें आपका पहले डाइजेशन होता है, देन इंजेशन होता है। मतलब इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, उसको थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स बॉडी के बाहर, मतलब आउटसाइड आउटसाइड द बॉडी इज कन्वर्टेड वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड देन दिस सब्सटेंस इज इनटेक, देन इनटेक ऑफ फूड हैपेंस। देखो सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको बॉडी के बाहर ही थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हम उसे जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करती हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उस सिंपलर सब्सटेंस को ये लोग इनटेक करते हैं। तो इस सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोट्रोपिक। आगे देखते हैं, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्स, 4 किलोहर्ट्स विद वेवलेंथ 30 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रैवल डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर। ओके, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, साउंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना? तो देखो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 4 किलो हर्ट्स। दैट मींस इसको अगर हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10³ हर्ट्ज, है ना? और वेवलेंथ कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.3 मीटर्स बन जाएगा। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी हो जाएगी 1.2 × 10⁻², ठीक है, m/s। ये आपकी साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब बताओ कि ये डिस्टेंस 2.4 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा। अच्छा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा था ना? तो वेट, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास स्पीड गिवन है, ठीक है, स्पीड हमारे पास है, हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम निकालना है, तो टाइम बहुत आराम से निकल जाएगा, डिस्टेंस। अच्छा ये 2.4 किलोमीटर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि किलोमीटर को मैंने वो मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, और वेलोसिटी कितना है, 1.2 × 10², तो टाइम क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा आपका जो स्पीड, नहीं, ये देखो ये 10³ ही होगा, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, तो आपका टाइम क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड।
है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड 210 वोल्ट जनरेट है, करंट 0.2 एम्पीयर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, हमने पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। वी कितना है 110 वोल्ट, आई कितना है 0.2 एम्पीयर, तो पावर कितना हो जाएगा 110 × 0.2, दैट इज 22 वॉट। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इज ड्यू टू, देखो इसमें पूछ रहा है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसमें क्या होगा, इसमें चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हमने पहला या सेकेंड क्वेश्चन ही पढ़ा था इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आपको अगर समझ नहीं आया था तो आप उधर जाके दोबारा देख लीजिएगा। सो आंसर क्या होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल एंड स्पीड स्लोज डाउन, है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अच्छा देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि बस बस स्टैंड से स्टार्ट हुआ तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर या 0 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना, क्योंकि सब किलोमीटर पर आवर में है। अभी उसकी करंट वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है और ये कितने टाइम में हुआ, 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को अगर हमें आवर में चेंज करना है तो कितना कर देंगे, डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 1/6 ऑफ आर। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो हमने एक तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे, उसमें एक था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें वी गिवन है, गिवन है, यू गिवन है, गिवन है, टी गिवन है, गिवन है, हमें सिर्फ ए निकालना है तो निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, है ना। तो देखो कैसे होगा, 20, अब हम इसमें ना सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ए 1/6, सो 20 इज इक्वल्स टू ए बाई सिक्स, तो ए इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आर के स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, सिर्फ हमने वैल्यूज इसमें पुट किए हैं, वैल्यूज पुट करो और ये आंसर निकल आएगा। ओके, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ कॉमन मेटल्स क्या होती है वो लिखवा देता हूँ, ठीक है, वो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये वाला जो होगा आपका ये मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, और ये जो होगा गोल्ड ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इस सीरीज में जो मेटल
जितना ऊपर आता है वो उतना हाईली रिएक्टिव होता है, जो जितना नीचे आता है वो उतना कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें इधर से देख के ये पता चल रहा है कि मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, और यहाँ पे ये कौन से उसमें है, ऑप्शन ए में। तो आपका रिएक्टिविटी का क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी योर ऑप्शन ए, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। आगे देखते हैं, देखो इसमें क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, ऑल द बेसिस आर एल्कली, ऑल एल्कलीज डिजोल्व इन वाटर, एल्कलीज आर सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट एंड करोसिव इन नेचर। देखो, एल्कलीज आर दोज बेस विच डिजोल्व इन वॉटर, वो बेसिस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, जो बेसिस आपका, वेट पेन चला गया, जो बेसिस आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। सो ऑल एल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, वो हर एल्कली बेस होगा, हर एल्कली आपका बेस होता है पर सारा बेस आपका एल्कली नहीं होता। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है, ऑल बेसिस आर एल्कलीज, नहीं हमने देखा है ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, तो फर्स्ट वाला कट गया। अब जब फर्स्ट कट गया तो आंसर आपका ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, या तो आपका ऑप्शन सी होगा या डी होगा। ऑप्शन सी और डी से आपको एक चीज तो समझ आ जा रहा है, थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन है, मतलब थ्री तो आपका सही होगा ही होगा, सिर्फ आपको सेकेंड ऑप्शन को चेक करना। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल एल्कलीज डिजोल्व इन वाटर, बिल्कुल सही, जो एल्कलीज हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ कार ट्यूब दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एचसीएल गैस। अच्छा, ये काफी हाई लेवल क्वेश्चन में से आया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है, इट इज वेरी गुड ड्राइंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है, एंड दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन गार्ड ट्यूब। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजर्स आर यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड्स ऑफ क्रॉप, हाउएवर ऑल न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज यूजुअली नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। देखो, हमारे जो कॉमनली इंडिया में यूज फर्टिलाइजर होता है वो कौन सा होता है, एन पी के, इसमें क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसके अलावा भी ये बेसिकली आपका मेजरली यूज्ड फर्टिलाइजर होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका आयरन, आयरन आपका एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं,
रूपा एंड सचिन ऑब्जर्व एन एनिमल इन देयर स्कूल गार्डन. रूपा कॉल्ड इट एन इंसेक्ट वाइल सचिन आइडेंटिफाइड इट एज एन अर्थवॉर्म. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कंफर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट. ठीक है, अब इंसेक्ट और अर्थवॉर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमें पता चलेगा. इंसेक्ट एंड अर्थवॉर्म. देखो, इंसेक्ट जो होता है ये ऑर्थोपोडा क्लास में आते हैं. ऑर्थोपोडा क्लास में आते हैं, ठीक है. इनके पास बेसिकली जनरली थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, बट टिपिकली कुछ कुछ में वन और टू पेयर ऑफ लेग भी होता है. ठीक है, इनके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं. इंसेक्ट्स के पास पेयर ऑफ विंग्स होता है, ठीक है. वन और टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इनके पास, वन और टू पेयर ऑफ विंग्स होता है. सेकंड, फोर्थली, इनकी जो बॉडी होती है उस वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है. इंसेक्ट्स हैव सेगमेंट्स ओवर बॉडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे हैव जॉइंटेड लेग्स. और इनका सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो वो है कि इनके जो लेग्स होते हैं दे आर जॉइंटेड. अब अर्थफॉर्म क्या होते हैं? अर्थफॉर्म आपका लुम्ब्री साइड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, लाइन बॉडी. दे डू नॉट हैव आर्म्स और फिन्स और एंटीना. एंटीना क्या होता है? आपने देखा होगा इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स के, हाँ आपने देखा होगा इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स के मुंह पे ऐसे दो एंटीना लगे होते हैं, ठीक. ना ही तो अर्थवॉर्म के पास ना ही आर्म्स होता है, ना ही फिन्स होता है, ना ही एंटीना होता है, और ना ही इनके पास लेग्स होते हैं, ठीक है. इनके बॉडी में भी सेगमेंट होता है. इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, ठीक है. तो अब हमने इतना पढ़ लिया, अब देखते हैं कि इंसेक्ट की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इन चारों स्टेटमेंट में गिवन है. पहला देखते हैं, द एनिमल हैड जॉइंटेड लेग्स. बिल्कुल सही, एनिमल के पास जो इंसेक्ट आपका एनिमल ग्रुप में आता है इसके जो लेग्स होते हैं ये जॉइंटेड होते हैं. ऑप्शन से देखो, अर्थफॉर्म जो होता है ना इसका सिलेंड्रिकल सेगमेंटेड बॉडी होता है, ये बात याद रखना, सिलेंड्रिकल सेगमेंटेड, ठीक है. ऑप्शन सी देखते हैं, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि बॉडी ऑफ एनिमल वॉज सिलेंड्रिकल. नो, सिलेंड्रिकल अर्थवॉर्म की बॉडी होती है. बॉडी ऑफ एनिमल वॉज बाइलेटरली सिमेट्रिकल. नहीं, ये भी नहीं होता. एंड बॉडी ऑफ एनिमल हैड वेरी लिटिल सेगमेंटेशन. ना, इनमें सेगमेंटेशन काफी ज्यादा होती है. तो ये तीन ऑप्शन कट गए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि
एनिमल्स विच आर मरीन बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैव कोलम एंड अ नोटोकॉर्ड बट नेवर फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम आर प्लेस्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। ऐसे एनिमल जो कि मरीन हो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो, जिनके पास कॉलम और नोटोकॉर्ड हो बट वर्टिब्रल कॉलम ना हो, वो एनिमल आपके प्रोटोकॉर्डेटा ग्रुप में होते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा वो एनिमल होते हैं जिनके पास आपका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्लांट में कहाँ पर होती है, इसका लोकेशन क्या होता है, तो ये देखते हैं अभी हम। देखो, आपका जो प्लांट होता है, प्लांट के दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। हम प्लांट टिश्यूज को जरा डिटेल में समझ, मेरिस्मेटिक मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन-कौन से पार्ट होते हैं? एपिकल, इंटरकैलरी एपिकल इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, सिंपल परमानेंट नेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कौन कौन से होते हैं? ये तीन टाइप के होते हैं, और कॉम्प्लेक्स ये दो टाइप के। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। और आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, कॉलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। ठीक है, ये प्लांट टिश्यूज होते हैं। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, अब मैं आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू बताता हूँ। सपोज करो ये कोई भी प्लांट है, ठीक, ये प्लांट का टिप है, ये रूट्स हैं, ये नोड्स हैं, ठीक। जो आपका एपिकल टिश्यू होगा, एपिकल, ये आपका टिप ऑफ रूट एंड शूट, आपके रूट के टिप पर और आपके शूट के टिप पर प्रेजेंट होता है। इट इंक्रीजेस द हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट के हाइट को बढ़ाता है। अब आपका दूसरा है इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, ये लीव्स हैं, ठीक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू आपके नोड्स के बेस पर और लीव्स के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोड्स पर एंड लीव्स के बेस पर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट टिश्यू आपका लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यू का फंक्शन होता है कि इट इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट की चौड़ाई, कितना चौड़ा है, प्लांट की चौड़ाई को, गर्थ को इंक्रीज करते हैं।
आपका सही आंसर क्या होगा? इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू आपके बेस ऑफ लीव्स या इंटर नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन सी। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज इट।